नमस्कार, सिटी न्यूज बरेली में आपका स्वागत है। मैं हिना खान। खलील स्कूल के पास चला नगर निगम का डंडा, स्कूल के सामने लगे अतिक्रमण को हटवाया। सोमवार को अचानक खलील स्कूल के पास हंगामा मच गया। वहां मौजूद नगर निगम की टीम ने स्कूल के सामने लगे खोके व होटल को हटा दिया। बताया जा रहा है कि नगर निगम से खलील हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य ने शिकायत की थी, जिसको लेकर आज नगर निगम के राजस्व निरीक्षक सचिदानंद, धनवीर सिंह, विवेक टीम को लेकर वहां पहुंच गए और अतिक्रमण को हटवाया। इसकी जानकारी देते हुए नगर निगम के राजस्व निरीक्षक सचिदानंद ने बताया। ये स्कूल के प्रधानाचार्य ने शिकायत करी थी। इज्जत नगर IVRI पुल पर जल फराटा भरेंगी गाड़ियां। इस समय जान पर खेल कर रहे लोग लाइन पार। लंबे समय से इज्जत नगर IVRI का पुल का निर्माण कार्य चल रहा है। इस बीच डाकखाने के पास रेलवे फाटक से रास्ता बंद कर दी गई है, जिसके चलते वहां रहने वाले लोग रोड पार करने के लिए रेलवे लाइन का सहारा ले रहे हैं। वह पुल न चलने से और रास्ता बंद होने के चलते जान जोखिम में डालकर रेलवे लाइन से गुजर रहे हैं। अगर पुल जल्द ही नहीं बना तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इसकी जानकारी देते हुए राहगीरों ने बताया। हमें तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती, रोज आते जाते हैं तो हमें टाइम लग जाता है यहाँ से निकलने में। यहाँ पर काफी टाइम हो चुका है, बन नहीं पाया यहाँ पे। तो नहीं, वैसे सब तरफ से पुल बना हुआ तैयार है, क्या क्या कमी लग रही? अभी तो कमी है क्योंकि तैयारी नहीं हो पा रहा है यहाँ तो। पुल तो ये काफी टाइम हो चुका है यहाँ पे तो। कहीं ना कहीं रेलवे की जी इसमें कोई कमी नहीं आ रही, जिससे कि ये पूरा काम निर्माण नहीं हो पा रहा पूरा यहाँ पे। हाँ, पुल के तो बना बना दिक्कत तो आ रही है, देख रहे हैं पार कर रहे हैं, बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। ये क्रॉसिंग जो बिलावजन पार करी जा रही है, रेलवे क्रॉसिंग है, इसका खतरा है नहीं, ये बता जल्दी बनना चाहिए ये। हाँ, दोनों तरफ तो बना खड़ा, तो इसका मतलब कोई ना कोई रेलवे की भी रोक है, इसमें अंदाज कर रहा है रेलवे की भी रोक है, अंदाज कर रहा है। वहीं सेतु निर्माण कार्य में लगे इंजीनियर ने कहा, बहुत जल्दी बन जाएंगे जैसे भी तोड़ा, क्योंकि क्रेन हमारी आ चुकी है, इससे बहुत जल्दी होगा, एकदम काम पूरा रेडी है, जल्दी से जल्दी इन काम को पूरा ही कर लिया जाएगा। छठ पूजा पर्व पर शहर के मंदिरों में हुआ भजन कीर्तन, साथ ही हुआ मुंडन संस्कार। छठ पूजा के चलते सोमवार को मंदिरों में लोगों द्वारा भजन कीर्तन किया गया। जिसमें पूर्वांचल व बिहार की महिलाओं ने उपवास के दौरान मंदिरों में अपने पुत्र के मुंडन संस्कार कराए। आपको बताया चले कि यह व्रत 36 घंटे चलने के बाद सूर्य उदय के समय सूर्य को अर्घ देकर खोला जाता है। इस व्रत में माँ अपने बच्चों की लंबी आयु की कामना करती है। इस मौके पर पंडित जी ने व्रत का महत्व बताते हुए कहा, राजा थे शॉर्टकट में, राजा के पुत्र वगैरह नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने महाभारत काल में उन्होंने बताया कि एक छठ मैया छठी यानी एक देवी रूप है, जैसे नव दुर्गा होती हैं उसी में एक छठ पूजा छठ खष्ठी वाली जो होती हैं उन्हीं का रूप है, जो कि उन्होंने कहा कि ठीक है हमारा व्रत करो निराहार करके, तो पुत्र तो राजा को भी पुत्र हुआ। तब से लोग जो है सदियों से माने महाभारत काल से चलता आ रहा है और आज तक लोग कर रहे हैं। अब 36 घंटे का मतलब निराहार बिना कुछ कहे रहते हैं। यहाँ पे भीड़ भी होती है अपने मंदिर पे, शिव पार्वती मंदिर पे, मन बरेली में सबसे पहला स्थान लगभग सबसे ज़्यादा भीड़ वाला यही इलाका है, बाकी नदियों में होता है ये। आपकी क्या तैयारी है? हमारी तैयारी आज से रंगाई पोताई वगैरह शुरू हो जा रहा है, शुद्धिकरण करके धुलाई हो गई है, घाट हमारा देखिएगा ये घाट पूरा धुलाई वुलाई हो गई है, अब पुताई उताई किया जा रहा है, शुद्ध मन हर साल पुताई होती है ताकि शुद्ध हम लोगों का शुद्धता बजाय रहती है। गेहूँ भी पिसाया जाता है, गेहूँ भी मतलब जो है कोई चिड़िया जो है चिड़िया भी उसको मन जुठा ना कर पाए, आँख के सामने रख करके सुखाया जाता है और उसको लेकर के ठेकुआ वगैरह जो बनता है, इसको मीठा अंडा पर ठेकुआ बनाते हैं, बिहार साइड में ठेकुआ बनती है और भी जो इसको मीठा चीज़ बनते हैं खस्ता बनता है, इस तरह को बनाया जाता है। और सब चीज़ मैंने सब फल मैंने ऋतु काल में जो भी फल मिलता है सब साबुत ही चढ़ता है। स्वस्थ रैली में टला बड़ा हादसा, वार्ड एसोसिएशन के अध्यक्ष कार से गिरकर घायल, विधायक बहरन लाल मौर्य व DC वर्मा भी हुए चोटिले। रविवार को भाजपा के
स्वच्छ भारत मिशन को लेकर नगर विकास मंत्री के नेतृत्व में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के सभी बड़े पदाधिकारी व नेता मौजूद थे। इस रैली में हिस्सा लेने वार्ड एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल द्विवेदी भी हिस्सा लेने आए हुए थे। रैली के दौरान जिस जीप में वह खड़े हुए थे, डिवाइडर आने से जीप उछली और वह गिर गए। इस बीच जीप में खड़े विधायक बहरन लाल मौर्य, डीसी वर्मा आदि उनके ऊपर गिर गए, जिससे यह भी चोटिले हो गए। अनिल द्विवेदी ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उनको जनता व बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निजी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। इसकी जानकारी देते हुए अनिल द्विवेदी ने बताया, कल स्वच्छता रैली में भाग लेने गया था, जीप पर खड़े होकर चल रहा था, जीप के ड्राइवर ने एकदम एक्सीडेंट ले लिया, जीप स्पीड से आगे बढ़ी एकदम पीछे स्टैंड गिर गया सड़क पर, सड़क गिरने से सिर में चोट आ गई। और भी कोई घायल हुआ इसमें? हाँ, मेरे साथ साथ डीसी वर्मा, विधायक भवन लाल, भारभूषण सिंह, जिला अध्यक्ष सब साथ साथ खड़े, सब गिरे हैं, छोटी में छोटे लगे आई होंगी। मोहम्मद कमर ने बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता में मैन फिजिक में यूपी खिताब जीता। नरकुलागंज में रहने वाले मोहम्मद कमर 4 साल से रॉयल फिटनेस क्लब में बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे थे, जिसको 14 फरवरी को मिस्टर बरेली के खिताब से नवाजा गया। उसके बाद उनकी तैयारी लगातार जारी रही। 11 तारीख को हुए मिस्टर यूपी ऑल ओवर चैंपियन रामपुर में हिस्सा लेने मोहम्मद कमर पहुंचे। इस प्रतियोगिता में पूरे यूपी प्रदेश के 250 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें बॉडी बिल्डर यूपी का खिताब मेरठ को गया। वही मैन फिजिक यूपी के खिताब से मोहम्मद कमर को नवाजा गया। इस खुशी को जाहिर करते हुए मोहम्मद कमर ने बताया, 14 फरवरी 2018 में मैंने फरवरी में तंजय कम्युनिटी हॉल में मिस्टर मैन फिजिक्स का खिताब लिया था। उसके बाद फिर मैंने मिस्टर मेरठ गए रखने मिस्टर यूपी, वहाँ मैंने फर्स्ट प्लेस मारी अपने बीएड के अंदर। उसके बाद क्या कहते हैं, अब मैंने रामपुर में कल प्रतियोगिता हुई थी 11 नवंबर 2018 में, जहाँ पर तकरीबन 250 से 300 लोग आए हुए थे, वहाँ पर लोगों ने पार्टिसिपेट करा। और उसके बाद जिसमें से मुझे मेन फिजिक्स में के अंदर मुझे ऑल ओवर चैम्पियनशिप का मेन फिटनेस का खिताब मिला, और बाकी जो मिस्टर बॉडी बिल्डिंग में यूपी में यूपी जो था बॉडी बिल्डिंग के अंदर, वो खिताब मेरठ को गया है। वही क्लब के कोच नसीम खान ने मोहम्मद कमर की तारीफ करते हुए कहा, भाई मुझे इनको हार्दिक बधाई देना है, और आगे अभी इन्होंने मिस्टर यूपी जीता है, आगे इन्हें इंडिया लेवल का मैं खिलाऊंगा अच्छे स्तर पे, फिर जिरे का खिलाऊंगा इनको मैं, आगे आगे इनको और तरक्की मिलेगी इंशाल्लाह। विश्व मधुमेह दिवस के उपलक्ष्य में लगा स्वास्थ्य शिविर। वरिष्ठ नारी कल्याण सेवा समिति के तत्वाधान में विश्व मधुमेह दिवस सप्ताह का शुभारंभ डीडीपुरा पार्क से शुरू हुआ, जिसमें पूर्व चीफ हृदय रोग कंस्टेंट एवं पूर्व इंचार्ज डायबिटीज सेंटर जिला अस्पताल के डॉक्टर वीपी भरद्वाज वालकटॉन ऑक्नेट हेल्थ केयर के सहयोग से आयोजित किया गया था। मधुमेह की बढ़ती बीमारी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर वीपी भरद्वाज ने लोगों को जागरूक किया। देखिए देसी और देसी हो, देखिए एक बहुत ही बड़ी ये है कि कौन सी चिकनाई खानी चाहिए। आज जो लेटेस्ट ट्रेंड है हम सारी दुनिया में जो चल रहा है, तो उसमें सबसे ज़्यादा काम फैट के ऊपर हमारे देश में हुआ है। हमारे यहाँ बॉम्बे में शशांक जोशी हैं, उन्होंने पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फैट पे काम किया है, और उनका ये मानना है कि फैट जो है वो ब्लेंड ऑफ फैट, ब्लेंडेड, ब्लेंड का मतलब आपके पास जितना फैट आपके शरीर के जरूरी है उसका एक तिहाई भूखा हो। साथ ही उन्होंने मधुमेह से छुटकारा कैसे मिले इस पर चर्चा की। और एक चीज़ और बता दें कि जितने भी ऑयल हैं उसमें पूफा सभी में होता है, ऑलिव को छोड़ कर, लेकिन अपने जो सरसों का तेल है उसमें बूफा और पूफा दोनों होते हैं। इसका मतलब यह है कि आप 2/3 सरसों का तेल और 1/3 देसी घी इस्तेमाल करें तो आपका फैट कंजप्शन का रेशियो सही रहेगा। इस कैंप में निःशुल्क मधुमेह की जाँच भी की गई। इस मौके पर डॉक्टर भरद्वाज ने बताया, सबसे जरूरी ये है कि अगर आप डायबिटीज़ को वाकई कंट्रोल ठीक से करना चाहते हैं तो एक तो आपको टहलने पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज़, आप फैटी चीज़ों को इस्तेमाल बहुत कम करना चाहिए। ये लोगों की धारणा है कि मीठी चीज़ ही डायबिटीज़ वालों को परहेज करना चाहिए। अगर लोग चिकनाई खाते हैं वो उसमें बहुत कैलोरी होती है, उससे भी शुगर लेवल जो है बहुत ही इरेटिक हो जाता है और बहुत ही बढ़ा हुआ रहने लगता है। इसके अलावा अपने कोलेस्ट्रॉल को अगर देखें
तो LDL को आप 80 के आसपास रखें, ब्लड शुगर को आप 80 के आसपास रखें, आप 80 मिनट टहलें रो 80 से नीचे रखें, नीचे वाले ब्लड प्रेशर को भी कोशिश करें कि 80 के आसपास ही रहे। तो इन सब चीज़ों से और खान पान का ध्यान रखें, ओवर ईटिंग का ध्यान रखें, फैट फास्ट फूड और ये जो ट्रांस फैट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ट्रांस फैट वो फैट होता है जैसे यहाँ पर हिंदुस्तान में छोला भटूरा, फ्रेंच फ्राइज, इस तरह के जो पानी वाली चीज़ें हैं जो खोलते तेल में पड़ती हैं, तो वो तेल जो है, तेल या घी जो भी है, वो हाइड्रोजिनेट हो जाता है। वहीं कैंप में आए सुरेश चंद्र मिश्रा ने कहा, आजकल के बच्चे फास्ट फूड पर, फास्ट फूड से मतलब है किसी बंद है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, इसमें ट्रांस जो है वो हार्ट के लिए बहुत नुकसान होता है। और देखिए कि हमारे बच्चे कितने फैटी होते चले जा रहे हैं, और जबकि उनको स्लिम रहना चाहिए, वो आलसी रहते हैं, दिन भर व्हाट्सएप करते रहते हैं, और जब उनको सुबह वॉक करना चाहिए, टहलना चाहिए, वो नहीं टहलते हैं। माँ बाप कहते भी हैं कि जाओ सुबह टहल के आओ, वो नहीं आते हैं। कैंप में अपनी जांच कराने आई महिला ने बताया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संगीता रस्तोगी है। मैंने ये सीखा कि मतलब यहाँ पर टहलना ज़रूरी है। सबसे पहले तो डायबिटीज़ के लिए डेली टहलना बहुत ज़रूरी है। दूसरे जो है खान पीन पर अपने ध्यान रखें, जिसमें कि सरसों का तेल और देसी घी का इस्तेमाल करें, और जितना कम से कम हो सके रिफाइन तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, रिफाइन को छोड़ देना चाहिए। इस मौके पर नाजिर हुसैन, अजय सिंह, PC चतुर्वेदी, अनुज रस्तोगी, VK कोचर आदि मौजूद रहे। अब समय हो गया है छोटे से ब्रेक का। त्योहारों की छुट्टियों के बाद बैंक खुलने पर अनहोनी के डर से पुलिस का पहरा, दिन भर हुई वाहन चेकिंग। पिछले एक सप्ताह से चल रही त्योहारों की छुट्टी के बाद सोमवार को बैंक खुलने के बाद लोगों ने अपनी धनराशि को आदान प्रदान करने का कार्य किया, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन हरकत में आया। और पुलिस के आला अफसरों के आदेश अनुसार शहर के सभी बैंकों के सामने गहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें संदिग्ध लोगों को रोक कर उनसे पूछताछ की गई। साथ ही वाहनों के कागज न होने पर जमकर चालान काटे गए। इस मौके पर SI प्रीति पवार ने बताया, बैंक छुट्टियों के बाद काफी दिनों बाद खुले हैं। सुरक्षा की दृष्टि से सभी तरीके की चेकिंग की जा रही है, जिसमें वाहन चेकिंग है, संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग। सर, परमानंद नेचुरोपैथी मेडिकल इंस्टीट्यूट का शुभारंभ हुआ। इसके मुख्य अतिथि राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भड़तौल विधायक रहे। अध्यक्ष स्वामी परमानंद रहे प्रधानाचार्य डॉक्टर अब्दुल फरहा ने सबका स्वागत किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि
बिथरी विधायक राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भड़तौल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस इंस्टीट्यूट में आयुष चिकित्सक BNYS 5 वर्षीय, DNYS 3 वर्षीय व MD नेचुरोपैथी व योगा होम्योपैथी यूनानी आयुर्वेद कोर्सों के अतिरिक्त मॉडर्न मेडिसिन से प्रारंभ उपचार किए जाएंगे। कोर्स की जानकारी देते हुए निर्देशक स्वयं परमानंद ने बताया, आज यहां पर योगा नेचुरोपैथी के BNYS बैचलर कोर्स, MD नेचुरोपैथी कोर्स, डिप्लोमा योगा टीचर कोर्स के लिए उपस्थित हुए हैं। ये हमारा इंस्टीट्यूट है जो मेडिकल हेल्थ एजुकेशन डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री से, आयुष डिपार्टमेंट से, हेल्थ डिपार्टमेंट से रिकॉग्नाइज है और ये आयुष चिकित्सक बनते हैं जिनके सत्र को जरा थोड़ा देरी के कारण प्रारंभ कर रहे हैं। हमें होना तो अगस्त में प्रारंभ चाहिए था। वहीं कॉलेज के अध्यापक इमरान ने बताया, जो रिजल्ट किसी भी पैथी में और एक ताजा सर्वे में जो देखा गया तो एंटीबायोटिक्स की असर भी और किसी भी छोटी सी छोटी बीमारी है उसमें हम एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा यूज करते हैं, तो उसके लिए ताजा सर्वे में ये चीज़ बोली गई है कि एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा यूज ना करें क्योंकि जो बैक्टीरिया है ना वो उसके अकॉर्डिंग रह चुका है। कॉलेज का शुभारंभ करने आए मुख्य अतिथि वितरी विधायक राजेश मिश्रा और पप्पू भड़तौल ने कहा, बरेली में इतनी अच्छी चीज आई है नेचुरल पैथोलॉजी के द्वारा इलाज, जो कि पहले जो इंग्लिश दवाइयां नहीं थी तो काय से चीज इलाज योग से, नेचुरल पैथोलॉजी से, जड़ी बूटियों से, और यही थी जिससे कि आप समझिए कि भगवान राम के भाई लक्ष्मण जी इसी से ठीक। उस टाइम कोई बड़े बड़े कोई मेडिकल कॉलेज तो रखते, यही चीज थी। कैटी से वार का तांगे वाले को उतारा मौत के घाट। सुभाष नगर के शांति विहार में पातिराम का मकान है। भाई दूज के दिन उसका 30 वर्षीय बेटा सुनील सत्यवीर व अरविंद के झगड़े में समझौता कराने गया तो सत्यवीर ने उस पर कैटी से हमला कर दिया। इलाज के लिए उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया जहाँ उसकी रविवार की रात मौत हो गई। इसकी जानकारी देते हुए सुनील के पिता ने बताया, हमारे बेटे का तो वहाँ अस्पताल में उसको ले गए थे, लिवा के वहाँ से ले गए थे, लड़के ले गए थे, अब ये नहीं पता, मैं तीन थे चार थे, लड़कों क्या नाम था, बुला के ले गए थे लड़के, में दो लड़के थे सत्यवीर और वो अरविंद, अरविंद और सत्यवीर लेके गए उनसे लिवा के। क्या करा उन लोगों ने बेटे के साथ, आपके बेटे के साथ ले गए वहाँ, ले जाकर उसकी जो कांची मारी, कैंची मारी, चाकू मारे उसकी दाहिनी साइड में। क्यों मारे, कुछ कारण पता लगा? ये कारण है तो बैक पैक को चक्कर हो, पता ना क्या चक्कर हो, उसी जेई बातचीत हुई थी वो चल रही थी। जिला बदायूं के थाना कुंवर गांव क्षेत्र के कंदेर गांव में रहने वाले राम निवास सोमवार को अपनी बाइक की सर्विस कराकर घर लौट रहे थे। इस बीच कानगांव व धर्मपुर के पास वह रोड की तरफ खड़े हुए थे, अचानक सामने से आते पल्सर सवार ने उनको टक्कर मार दी जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इसकी जानकारी देते हुए मृतक के भाई श्रीनिवास ने बताया, गाड़ी से एक्सीडेंट में जो एक भाई चला रहा था उन्होंने गाड़ी खड़ी करी, वो पैसा फिरने लगे जो चला रहे थे, वो दूसरे अदब की वजह से उधर को मुंह घुमाए खड़े रहते, सामने से जो गाड़ी लापरवाही से आ रही तेज, मतलब तेज गाड़ी, उसमें जो एक्सीडेंट हुआ तो इनके पेट में हैंडल गाड़ी घुस गया और सर में जो सड़क उनका जो दिमाग था वो जमीन में लगा, इस वजह से उनकी तुरंत मौके पर मौत। कौन सी गाड़ी थी? गाड़ी हीरो होंडा स्प्लेंडर थी और जिसने एक्सीडेंट किया था वो डिस्पर गाड़ी थी। पकड़ हीरो प्रेजेंटर्स वार एसोसिएशन टूर्नामेंट में भिड़े मुरादाबाद व बरेली, बरेली मुरादाबाद को चटाई धूल। बदायूं जिलों में हीरो प्रेजेंटर्स क्रिकेट वार एसोसिएशन द्वारा एक टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है जिसमें सोमवार को तीसरा मैच मुरादाबाद और RCC बरेली के बीच खेला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवम्बर 2016 में पुराने 500 और 1000 के नोट बंद किए थे जिसको लेकर पूरे देश में लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। वहीं कांग्रेस का कहना है कि यह कदम बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था जिसकी वजह से देश में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिसको लेकर कांग्रेस इस तारीख को बरसी के रूप में मनाते हैं। सोमवार को दामोदर स्वरूप पार्क में सभी कांग्रेसी एकत्रित हुए और उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया, साथ ही जुलूस के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन DM को दिया। Yeah!
ज्ञापन देने आए महानगर अध्यक्ष असलम चौधरी ने बताया। नरेंद्र मोदी जी सरकार ने अचानक एक निर्णय लिया कि 500,000 के नोट बंद कर दिए गए हैं। बिना कोई रणनीति बनाए हुए, बिना कोई देश में मशवरा किए हुए ये निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय था और वो काला दिन था जिसके नुकसान पूरे भारत को उठाना पड़ा है। हम कहना चाहते हैं कि लगभग सैकड़ों लोग बैंकों की लाइन में लग के मर गए। आज तक नरेंद्र मोदी ने उनके मुआवजे की बात नहीं की, उनके घर परिवार को पालने की बात नहीं की। आज अर्थव्यवस्था डाउन होती जा रही है और नरेंद्र मोदी जी कहना चाहते हैं कि हमने जो आतंकवाद को खत्म करने के लिए ये रुपया जो नोटबंदी की थी, आज कहीं आतंकवाद समाप्त नहीं हुआ है। आज उन्होंने कहा था कि एक के बदले 10 सर लाएंगे, आज कोई सर हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी की सरकार में वापस नहीं आया। हम ये कहना चाहते हैं जब उन्होंने कहा था कि काला धन हम इस देश से निकलवा देंगे तो 99.3% पैसा बैंकों में वापस आ गया, तो वो काला धन कहाँ चला गया। हम कहना चाहते हैं कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था डाउन हो चुकी है, पूरे देश में आज बेरोजगारी की बढ़ती संख्या से लोग आक्रोशित हैं। एक विशेष सूचना, सिटी न्यूज को आप अपने स्काई चैनल नंबर 208 पर देख सकते हैं या फिर अपने मोबाइल के यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सिटी न्यूज में खबर देने के लिए हमारे इस नंबर संपर्क करें, फोन नंबर 8954961313। यह हमारे कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है सिटी न्यूज बरेली, निकट गंगाशील हॉस्पिटल, डीडीपुरम बरेली। समाचार का सिलसिला ही खत्म होता है, अगले बुलेटिन से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।